as you know, we are great believers in Lord Ram, and Lord Ram की कृपा है कि हमारे परिवार में सब ठीक है और सब खुशी और सब मंगल है. जय श्री राम. जय श्री राम. And for very good measure, जय श्री राम. वहाँ पे उसको एक लेवल ऑफ अपॉर्चुनिटी मिला है, उसको वहाँ की गवर्नमेंट ने भी प्रमोट किया है. एक शादी हो रही है हमारे हमसाय मुल्क में, बहुत सोशल मीडिया पे उसने कब्जा किया है इस टाइम. देखें कि उसकी ना रिपोर्ट आई है कि जितना शादी का एक्सपेंस है वो उनकी अंबानी साहब की टोटल वेल्थ का 0.1%. सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, ये वो आर्टिस्ट हैं जिन्हें अफोर्ड करना बहुत ही मुश्किल काम है, ठीक है. लेकिन अंबानी ने साबित कर दिया है कि शाहरुख खान, सलमान खान और इमरान आमिर खान को हम अफोर्ड कर सकते हैं. हमें वाकई इतनी एड मिलती है जो हम IMF से भीख मांग के नाक रगड़ के लेते हैं. हम तो लाचार बहुत हैं, बहुत बेबस हैं, हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, हम करें क्या? एड बिल्कुल होनी चाहिए, हमें कोई तकलीफ नहीं. इंडिया के साथ ट्रेड ना करें, पहले भी होती थी, लेकिन इंडिया पहले अपने किरदार को देखे, अपने एटीट्यूड सीधा करे, उसके बाद देखे, वरना इंडिया ऑन माई फोर्स. इंडस्ट्री एक बस में बैठ के आई है. जिन लोगों को वैनिटी वैन्स और मसूस और हर चीज की आदत है सेट के ऊपर, उनको इन्हीं अंबानी साहब ने कहा एक कोस्टर लेके जाएगा, बैठना तो बैठ, जो नहीं जाना तो ना जाओ, क्योंकि सेलिब्रिटी जो हमारा कोटा है वो तो पूरा है. थोड़े दिनों के लिए बॉर्डर खुल जाना चाहिए, हम भी इंडिया जाके शादी को एंजॉय करें. हम तो कहते हैं भाई अभी खोल दो, बस एक दिन के लिए खोल दो, हम ना जगह दे के आ जाए जिधर आप बिल गेट्स जैसा बंदा जाके चाय पी जाता है. देखें, ये बात तो माननी पड़ेगी कि सॉफ्ट पावर में भारत का कोई जोड़ नहीं है. आगे आपको ये इंडिया ही सारा कुछ मिलेगा. पाकिस्तान के 4 सूबे हैं, उनके 32 सूबे हैं, तो वो ये जो हमारा स्टाइल है ना, हमारा स्टाइल बड़ा अजीब किस्म. भारत में बॉलीवुड के जो सितारे हैं वो पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं, लेकिन जब अंबानी परिवार से निमंत्रण आया और सारे सितारे जामनगर के अंदर जो प्री वेडिंग जो फंक्शन है उसको अटेंड करने के लिए पहुंचे, तो सभी को एक ही बस में ले जाया गया. उसके अलावा एक और बात भारत के अंदर की जाती है कि जो तीनों खान हैं उनको कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता. अगर कोई डायरेक्टर उन तीनों को लेकर फिल्म बनाना चाहे तो उसके जो है ना कपड़े उतर जाएंगे, लेकिन वो तीनों खान अंबानी परिवार में एक ही स्टेज पर डांस करते हुए दिखाई दिए. तो अभी इसी को लेकर पाकिस्तान का मीडिया भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा कर रहा है. तो आइए पहले वीडियो देखते हैं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना. अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना. तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं. मुकेश अंबानी के बेटे की शादी के इस वक्त हर जगह चर्चे हो रहे हैं. कोई भी ऐसा सुपरस्टार नहीं है जो इस शादी को अटेंड करने के लिए ना गया हो. मुकेश अंबानी के बेटे की शादी पे हमें वो कुछ देखने को मिल रहा है जो हमने कभी नहीं देखा. सलमान खान, शाहरुख खान, इमरान खान एक साथ जो है परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहा है. खासकर अगर बात करें तो करन पोलार्ड जो है वो PSL छोड़कर जो है मुकेश अंबानी के बेटे की शादी अटेंड करने चले गए. वो भी प्री वेडिंग गालास चल रहे हैं, प्री वेडिंग पार्टीज चल रही हैं, अभी प्रॉपर्ली शादी शुरू भी नहीं हुई. देखें, सबसे पहले तो मैं करन पोलार्ड के बारे कहना चाहूँगा कि बहुत ही गलत हरकत की है, ठीक है. एक मैच हमारे चल रहे PSL के, ठीक है, एक इतना बड़ा टूर्नामेंट स्पेशली पाकिस्तान के लिए, ठीक है, एक इतना बड़ा टूर्नामेंट हमारा चल रहा है, उसके बावजूद उस टूर्नामेंट को छोड़ के एक वेडिंग के लिए जाना, ठीक है, ये सरासर ना इंसाफ़ी है, वो भी पाकिस्तानी टीम के लिए, ठीक है, पाकिस्तान के लिए, ठीक है. ये समझ लो कि एक बहुत बड़ी ना डी वैल्यू करने वाला हिसाब है, वो भी पाकिस्तान को, कि यार हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई कदर ही नहीं है, कि आप चलता मैच आप छोड़ के, कोई लेम एक्सक्यूज नहीं, कोई चक्कर नहीं है. आपको एक कॉल आई है या फिर आपको इनविटेशन आया, आप वो छोड़ के वहाँ से चले गए. लेकिन देखिए ना, वैल्यू बनाई जाती है ना, इंडिया ने इतनी वैल्यू बनाई है कि करन पोलार्ड जैसे प्लेयर मुकेश अंबानी के बेटे की शादी अटेंड करने के लिए PSL छोड़कर चले गए. यानी उनके लिए PSL इम्पोर्टेंट नहीं था, मुकेश अंबानी के बेटे की शादी ज्यादा इम्पोर्टेंट है. जाहिर सी बात है, उन्हें पैसे वहाँ से मिलते हैं, ठीक है, पैसे ज्यादा मिलते हैं तो वहाँ पर गए. पैसे ना मिलते हो, बिजनेस ना मिलता हो, तो उसने क्या करने जाना. इवन दैट के यार पाकिस्तानी टीम, आप एक प्लेयर की इस तरह की हरकत से, पाकिस्तानी प्लेयर ने कोई हरकत की होती तो इंटरनेशनल मीडिया जो है इस टाइम ट्रोल बना रहा होना था, ठीक है. ये इंटरनेशनल प्लेयर ने किया है तो ये पाकिस्तानी मीडिया को भी इसके खिलाफ ना कोई एक्टिविटी करनी चाहिए, कोई एक्शन लेना चाहिए. ये कहा जा रहा है कि करन पोलार्ड ने PSL ज्वाइन करने से पहले ये बात उन्हें पहले बता दी थी कि वो इस तरह बीच में कुछ मैचेस स्किप करेंगे, क्योंकि पहले से उनकी कमिटमेंट हो चुकी है कि वो मुकेश अंबानी के बेटे की शादी में जाएंगे. अगर कमिटमेंट है तो फिर उनका अपना राइट है, ठीक है. वो छुट्टियों पे गए हैं 4-5 दिन के लिए, ठीक है, फिर छुट्टियाँ अपनी सेलिब्रेट करके आ जाएंगे. और रही बात अगर वेडिंग की, वेडिंग तो इन्होंने 1500 करोड़, मैंने सुनने में आया था कि 1500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है, अभी शादी स्टार्ट नहीं हुई, ठीक है. और फर्स्ट टाइम ये अंबानी की फैमिली से मुझे पता चल रहा है कि उन्होंने एलिफेंट भी रखे हुए हैं, ठीक है, उनका खाना वगैरह सारा प्रोसेसिंग। मैं आज ही वीडियो देख रहा था तो मेरे लिए काफ़ी सरप्राइजिंग आया था कि यार बहुत बड़ा अंपायर है लेकिन वो अपने ना जानवरों के साथ भी प्यार और मोहब्बत कर रही है, बहुत बड़ी अचीवमेंट। देखें कि वो अपना कल्चर जो है वो कितना प्रमोट कर रहे हैं, इंडियन कल्चर को जो है वो प्रमोट कर रहे हैं। अब आप देखें कि वहाँ पर जितने भी आईटी से रिलेटेड बंदे गए हैं, बिजनेसमैन गए हैं, अगर हम गूगल के सीईओ की बात करें, इसके अलावा हम जो है बिल गेट्स की बात करें, फेसबुक के ओनर हो गए, बिल गेट्स हो गए, ठीक है, सब जो है इंडियन ड्रेसेस में हमें नजर आ रहे हैं। मतलब उन्होंने कोई अपने मुल्क का कल्चर फॉलो नहीं करे, वो तमाम इंडिया के रंग में रंगे हुए हैं। सिंपल सी बात है, ये सारा पैसों का रंग है जो उनके जिस्म पे चढ़ा हुआ है, ठीक है। जो देखे ना कोई किसी का कल्चर किस तरह फॉलो करता है वो तब भी करता है या तो उसे पसंद आए या फिर उस कल्चर की ज़्यादा वैल्यू है। तो जब नोट ज़्यादा नज़र आ रहे हो ना, वो कहते हैं चलो ठीक है हम ये भी कर लेंगे वो भी कर लेंगे। आपने देखा होगा एयरपोर्ट में मोस्टली जो सेलिब्रिटीज लैंड कर रहे हैं उन्हें एक तो प्रोटोकॉल के साथ रिसीव किया जा रहा है, दूसरे नंबर पे वो नाचते हुए एयरपोर्ट से निकल रहे हैं कि उन्हें इतनी खुशी है। शायद उनके अपने किसी फैमिली मेंबर की वेडिंग हो तो उन्हें इतनी खुशी ना। और रही बात, मैंने देखा कि सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, ये वो आर्टिस्ट हैं जिन्हें अफोर्ड करना बहुत ही मुश्किल काम है, ठीक है, लेकिन अंबानी ने साबित कर दिया है कि शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान को हम अफोर्ड कर सकते हैं। ऐसा किसी को भी नचा सकता है, कहीं पे भी डेफिनेटली नचा सकता है। आपने, मैंने ना एक वीडियो देख रहा था, उसमें बता रहे थे, कोई शो आया था उसमें बता रहे थे कि शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान, ठीक है, इनके पर्सनल क्लच तो एक लहदा है, ठीक है, ये तीनों एक ही मूवी में नजर इसलिए नहीं आते क्योंकि इन्हें कोई भी प्रोड्यूसर अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर अफोर्ड करता हो तो तीनों हर मूवी में नजर आए, ठीक है। तो हाँ, वो लहता बात है एक दूसरे की हेल्प करने के लिए। जिसने शाहरुख खान की अपनी प्रोडक्शन है, सलमान खान की अपनी प्रोडक्शन है, आमिर खान की लहदा प्रोडक्शन है, कोई कोलैबोरेटेड या फिर वैसे ही साथ एक दूसरे की हेल्प आउट करते तो करते एक दूसरे की मूवी को प्रमोट करने के लिए, अदरवाइज कोई सीन नहीं है। और रही बात अंबानी की शादी की, अंबानी की शादी में जो इन्वेस्टमेंट हो गई है, मुझे लगता है कि अंबानी को चाहिए कि जितनी इन्होंने 1500 करोड़ पे लोगों को इनवाइट और इस तरह के काम में किया ना, कुछ इंडिया के लोग उन पे इन्वेस्ट करते और उन्हें कहते कि आप यार बिजनेस करो, या बिजनेस पार्टनर बना देते या उन्हें कोई बिजनेस कराते जिससे उनके रोजगार चलता, ठीक है। आप एक दिन बैठा के करोड़ों बंदों को खाना खिला रहे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वही आप खाना खिलाने से अच्छा उन्हें कुछ ना कुछ खुद अपने हैंड से सेटअप करवा देते, किसी को ठेला लगवा देते, किसी को रेहड़ी लगवा देते, कोई काम ऐसा करते कि जिससे वो एक दिन सारी ज़िंदगी के लिए उन्हें याद रख। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। और अंबानी परिवार में जो शादी का एक फेस्टिवल चल रहा है, प्री वेडिंग फंक्शन जो हो रहा है जामनगर के अंदर, उसको लेकर आपने यहाँ पर पाकिस्तान का मीडिया और पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन देखा है। आपने पूरी वीडियो देखी है, अगर आपको कुछ कहना है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। हम मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।